अधिकारों की जंग न्यू चैनल 5 जून 2024 को रात्रि 8:30 से 9 बजे के बीच श्री राम कॉलोनी करावल नगर गली नंबर 5 में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 व्यक्ति माँ बेटी और भाई मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे। राम दुलारी लोक नायक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। उसकी एक बेटी जो कि बहुत ही बुरी तरह घायल है, सोनी नामक, जिसके सर पर चोटें आई हैं, हाथ में टांके लगे हुए हैं, प्रेम जिसके पैर में चोट लगी है। राम दुलारी अपने बच्चों के साथ अपने मकान पर बैठी हुई थी, जिसमें अवैध रूप से ओमी केवल वाले द्वारा, जिसने अधिकारियों के साथ मिली भगत कर 3 मंजिल मकान के ऊपर 8 फुट की दीवार खड़ी की हुई थी, जिसमें मटेरियल कम होने के कारण राम दुलारी की छत पर वह दीवार गिर गई, जिसके कारण पल भर में राम दुलारी का मकान मलबे में तब्दील हो गया और पूरा परिवार घायल हो गया। 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया, जिसमें खजूरी थाने द्वारा दोषियों के साथ मिली भगत कर कोई FIR दर्ज नहीं की गई। पीड़ितों पर फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा है। पड़ोस में दूसरे मकान भी इस दीवार की चपेट में आ गए। जब पीड़ित लोग मिलकर शिकायत करने खजूरी थाना पहुंचे, तो पुलिस द्वारा उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया गया। इस हादसे को पुलिस द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। कॉलोनी वासियों द्वारा बताया जा रहा है कि ओमी रात्रि में हथियार लेकर पीड़ितों को धमकाने के लिए आया था, परंतु गली में लोगों का झुंड देखकर वापस भाग गया। राम दुलारी एक विधवा महिला है जो कि गरीब परिवार से संबंध रखती है। पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। दिल्ली सरकार आंखें बंद किए हुए है। आप वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार राम दुलारी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। गरीबी के कारण दवाइयां भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। पीड़ित परिवार के परिजन खजूरी पुलिस अधिकारियों के द्वारा न्याय न दिए जाने पर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के लिए निकल पड़े हैं। चलो वो तो ये सामान सारा साइट में लगा हुआ है। हाँ, ये तो सस्ता आइटम है।